युद्ध की जमीन पर दो सैनिक आमने सामने खड़े हैं और दोनों के बीच अंतर ये कि एक के हाथ में राइफल है और दूसरा निहत्था खून में नहाया निढाल होकर जमीन पर गिरा हुआ। युद्ध का धर्म कहता है दुश्मन को मारे बिना युद्ध नहीं जीते जाते, लेकिन ब्रिटिश फौज की वर्दी में खड़े शख्स का दिल पता नहीं क्यों पसीज उठता है और वो हैंडल बार मूछों वाले जर्मन सैनिक की जान बख्शते हुए आगे बढ़ जाता है। युद्ध खत्म होता है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। कुछ दशकों बाद अचानक एक रोज ब्रिटिश फौजी के सामने एक पेंटिंग आती है। पेंटिंग में वो खुद था और साथ में उस जर्मन सैनिक की तस्वीर भी थी। तस्वीर देखकर उसे एहसास होता है कि जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे नेक पल समझ रहा था वो एक पल 60 लाख मासूमों की मौत की वजह बन गया। दुनिया के एक कोने में कहीं एक तितली पंख फड़फड़ाती है और दूसरे कोने में तूफान आ जाता है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। ब्रिटिश फौजी को उस रोज पहली बार बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब अच्छे से समझ आ रहा था, क्योंकि जिस शख्स की उसने जान बख्श दी थी उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज 28 जुलाई है। क्या हुआ था इस दिन? इसी रोज साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, जिसे तब द ग्रेट वॉर कहा जाता था। फर्स्ट सेकंड तब आया जब सेकंड हो गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर, सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद का वो सांप जिसने लड़ाई के दौरान लाखों लोगों की जान ली। उसमें जहर का इंजेक्शन दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही भर दिया गया था, या द ग्रेट वॉर के दौरान। हिटलर इस युद्ध को एक सैनिक की तरह लड़ा था और उसे बाकायदा आयरन क्रॉस का सम्मान भी मिला था, जो आम सैनिकों के लिए बड़ी रेयर बात हुआ करती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या ग्रेट वॉर के दौरान हिटलर क्या कर रहा था, क्या कुछ हुआ उसके साथ जिसने हिटलर को हिटलर बनाया, चलिए जानते हैं। दस नवंबर 1918 की तारीख जर्मनी के एक मिलिट्री अस्पताल में कुछ घायल सैनिक लेटे हुए थे कि तभी वहां एक पादरी आया। उसकी आंख में आंसू थे। उसने खबर सुनाई कि जर्मनी युद्ध हार गया था। पादरी ने आगे बताया, जर्मनी कल से एक रिपब्लिक होगा, उसकी सीमाएं छोटी कर दी जाएंगी, विशालकाय जर्मन साम्राज्य का पतन हो जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के सर मायूसी से झुक गए। उनमें से एक सैनिक जो युद्ध में लांस कॉर्पोरल के तौर पर लड़ा था, उसने बिस्तर से तकिया उठाया और अपना सिर उसमें धंसा लिया। पूरी दुनिया को आतंकित करने वाला हिटलर उस रोज ताड़ मार कर रोया था। जर्मनी की हार ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसने अहद लिया कि जर्मनी की हार के जिम्मेदार लोगों को वो खत्म कर देगा, जो उसके अनुसार यहूदी और मार्क्सिस्ट थे। यहूदियों के प्रति हिटलर के मन में नफरत कैसे उपजी, ये समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे चलना होगा, हिटलर की जवानी के दिनों में चलना होगा, जिससे आपको ये भी समझ आएगा कि हिटलर बनने के लिए कोई विशेष रेसिपी नहीं थी। दो ही मसाले काफी होते हैं, नफरत और नफरत को अंजाम देने के लिए जरूरी सत्ता की भूख। हिटलर के हिटलर बनने की शुरुआत होती है साल 1909 में। इस समय वो ऑस्ट्रिया हंगरी की राजधानी वियना में रह रहा था। दिन मुफलिसी में कट रहे थे। काम के नाम पर उसे चित्रकारी करना आता था। वियना में फाइन आर्ट्स की एक एकेडमी थी। हिटलर का सपना उसमें दाखिला लेना था। दो बार कोशिश के बाद जब उसे दाखिला नहीं मिला, वो परेशान हुआ। हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। कई दिन उसे रेलवे स्टेशन पर सोकर गुजारने पड़े। इसके बावजूद उसने कोई दूसरा काम करना गवारा नहीं किया। वो खुद को जीनियस समझता था और उसके अनुसार उसकी इस हालत की जिम्मेदार दुनिया थी, लेकिन दुनिया से तो लड़ नहीं सकता था। उसके लिए कॉन्क्रीट पहचान चाहिए होती है। हिटलर के लिए पहचान थी यहूदी होना, जिसे लड़ना है। यहूदियों को उसने अपने खुद की और साथ साथ पूरे जर्मनी के सभी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। वियना में तब एंटी सेमिटिक लोगों की अच्छी खासी तादाद थी। हिटलर का उनमें उठना बैठना शुरू हुआ और वो बाकी दुनिया से कटा कटा रहने लगा। उसने अपने उम्र के लड़कों की तरह ना लड़कियों में इंटरेस्ट लिया, ना किसी और चीज में। समान विचार वाले लोगों की संगत में रहने के चलते वो खुद को बड़ा वक्ता मानने लगा। हालांकि खटाना भाई के शब्दों में अगर कहें तो लड़कपन से ही हल्का आदमी था हिटलर, क्योंकि उसकी वाक्पटुता सिर्फ तब तक रहती थी जब तक सामने से कोई सवाल ना पूछ दे, कोई उसकी गलती बता दे, तो तर्क करने के बजाय वो अनाप शनाप बोलने लगता था। तानाशाहों के साथ यही होता है, उनको जब तक के सवाल नहीं पूछा जाता तब तक के बहुत अच्छा बोलते हैं। 1913 तक हिटलर वियना में रहा। इसके बाद वो म्यूनिक चला गया।
म्यूनिक जाने के पीछे खास वजह थी कि वेना में रहते हुए उसे फौज में भर्ती का बुलावा आया जो अनिवार्य हुआ करता था, कॉन्स्क्रिप्शन था। लेकिन हिटलर की फौज में मेहनत की कोई मंशा थी नहीं। सोचिए, बताया कि हल्का आदमी था हमने अभी थोड़ी देर पहले। भर्ती से बचने के लिए वो म्यूनिक भाग के आया, लेकिन पुलिस उसका पीछे करते हुए वहां भी पहुंची और उसे पकड़कर फौज में दे दिया। हिटलर के सामने दो ऑप्शंस थे, जेल जाना है या फौज में जाना है। हिटलर ने फौज को चुना, लेकिन किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। हिटलर मेडिकल टेस्ट में फेल हुआ। बाद में जब वो तानाशाह बना, जर्मन सीक्रेट पुलिस ने हिटलर की भर्ती से जुड़े कागजात ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए, लेकिन ये कागजात हाथ लगे नहीं और इन्हीं से उसकी असलियत सामने आई भी। वरना हिटलर ने तो प्रोपेगेंडा चला रखा था कि वो महान योद्धा था जो एक बार में ही देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो गया था, मिथक गढ़ता था। सच ये था कि म्यूनिक में हिटलर के दिन मजे में कट रहे थे। अब तक उसे उसके पिता की जायदाद मिल चुकी थी, जिसके चलते पैसों की कमी दूर हो गई थी। म्यूनिक में भी हिटलर की पुरानी जिंदगी जारी रही, कैफे और बार में बैठकर भाषण देता रहा। हालांकि अभी तक उसके भक्तों की फौज तैयार नहीं हुई थी, इसलिए कहा जा सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहता तो हिटलर गुमनामी की जिंदगी जीकर मर भी गया होता। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। June 28, 1914 की तारीख थी। आज जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है, तब एक साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड। उस रोज आर्कड्यूक अपनी पत्नी के साथ पड़ोसी देश बोस्निया के दौरे पर गए थे। यहां उनके काफिले पर बम से हमला हुआ। इस हमले में दोनों पति पत्नी बच गए, लेकिन कुछ देर बाद एक शख्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के साथ ही द ग्रेट वॉर की शुरुआत हुई। जर्मनी भी इस युद्ध में कूदा, इसलिए हिटलर, जो जर्मनी को दुनिया का सबसे महान साम्राज्य समझता था, उसने भी युद्ध लड़ने की ठानी। बाकायदा वो लिखता है, जिस रोज भर्ती का खत आया, मैं अपने घुटनों के बल बैठा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। पागल आदमी है, लड़ाई हो रही है, धन्यवाद दे रहा है। हिटलर ही नहीं, पूरे जर्मनी में 16-17 साल के लड़कों का कमोबेश यही हाल था। साल 2019 में एक फिल्म आई थी, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। फिल्म का एक सीन है, 16-17 साल के 3-4 लड़के हैं जर्मनी की ओर से युद्ध में जाने को ललायित हैं। खुशी इस बात की थी कि जंग में जाएंगे तो आर्मी की नई यूनिफॉर्म मिलेगी। यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन उसमें से एक पर किसी और के नाम का टैग होता है। मिलिट्री अफसर टैग फाड़ते हुए कहता है, फिटिंग सही नहीं आई होगी इसलिए तुम्हें दे दी, तुम्हारे लिए फिट है। लड़का यूनिफॉर्म लेकर खुशी खुशी चला जाता है। कैमरे का फोकस चेंज होकर जमीन की ओर मुड़ता है, वहां ऐसे ही सैकड़ों टैग्स फाड़ कर फेंके गए होते हैं। ये सारी यूनिफॉर्म्स युद्ध में मारे गए सैनिकों की थी, जिन्हें धोकर नए लड़कों को दिया जा रहा था। हिटलर को इस लड़ाई में भाग लेने का मौका मिला अक्टूबर 1914 में। क्या काम करता था वो? उसे डिस्पैच रनर की जिम्मेदारी मिली हुई थी, यानी यहां से वहां संदेश पहुंचाने का काम। द ग्रेट वॉर के रिकॉर्ड्स के अनुसार युद्ध के दौरान वो बाकी सैनिकों से अलग थलग रहता था, अक्सर पेंटिंग बना लिया करता था, शराब नहीं पीता था और स्मोक भी नहीं करता था, एक अच्छी बात थी। युद्ध के दौरान उसने एक कुत्ते को पालतू बना लिया, जिसका नाम उसने फॉक्स रखा था। हालांकि युद्ध के बाद किसी ने यह कुत्ता चुरा लिया, जिसकी वजह से हिटलर बहुत दुखी हुआ। जानवरों से उसे खासा प्रेम था। बाकायदा एक कसाई घर का दौरा करने के बाद उसने मांसाहार भी बंद किया। युद्ध में उसे फ्रंट लाइंस पर रहने का मौका कम मिला, लेकिन इस दौरान उसने अपने एक सीनियर अफसर की जान बचाई, जिसके चलते उसे दूसरे दर्जे का आयरन क्रॉस सम्मान दिया गया। साथ ही उसे पदोन्नत कर लांस कॉर्पोरल बनाया गया। साल 1916 में युद्ध के दौरान हिटलर के पांव में एक गोली लगी, जिसके चलते उसे घर भेजा गया। हिटलर जर्मनी की राजधानी बर्लिन गया। यहां उसने देखा लोग भूखे मर रहे हैं। ब्रिटेन ने समुद्री रास्ते से जर्मनी जाने वाले जहाज़ों पर ब्लॉकेड लगा दिया था, जिसके चलते चीज़ों के दाम आसमान छू रहे थे। लिहाजा जर्मनी में मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। लोगों में युद्ध के खिलाफ माहौल बनने लगा और ये देखकर हिटलर को उन पर दया आने के बजाय गुस्सा आया। उसकी नज़र में युद्ध का विरोध करने वाले सब गद्दार थे। वो वापस मोर्चे पर लौटा। एक बार फिर उसने अपने अनाप शनाप भाषण शुरू कर दिए। शुरुआती दिनों में हिटलर का एक साथी हांस मैन बताता है, मैं इसमें दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा रहता था हिटलर, मानो कोई गहरी बात सोच रहा हो। अचानक खड़ा हो जाता था और फिर भाषण देना शुरू कर देता था। आसमैन के अनुसार युद्ध के खात्मे से पहले ही हिटलर ने जर्मनी की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। जर्मनी के हारने की वजह अमेरिका का युद्ध में उतरना और ब्रिटेन फ्रांस का जर्मनी से ज्यादा ताकतवर होना था, जनरली एलाइज का। लेकिन हिटलर इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था, हमारी बड़ी से बड़ी बंदूकें भी हमें नहीं जिता सकती, क्योंकि दुश्मन हमारे घर में छिपे हैं। इसके बावजूद 1917 में चंगा होने के बाद हिटलर एक बार फिर युद्ध मैदान में गया।
इस बार उसे आयरन क्रॉस सम्मान मिला। इस सम्मान की उसके लिए इतनी कीमत थी कि वो जब तक जिंदा रहा इस क्रॉस को अपने यूनिफॉर्म में लगाता रहा। 1918 में एक लड़ाई के दौरान हिटलर एक केमिकल गैस का शिकार हुआ और इस बार उससे फिर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में लेटे लेटे उसे जर्मनी के हारने की खबर मिली, जिसने उसे निराशा और गुस्से से भरा। उसके लिए यहूदी इस हार का कारण थे और हार का बदला उसे लेना था। उसे क्यों? दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ गजब इत्तेफाक हुए। ऐसे कई मौके आए जब हिटलर की जान जा सकती थी, लेकिन इत्तेफाक से वो बच ही निकला। आम आदमी होता तो इसे इत्तेफाक समझ लेता, किस्मत समझ लेता, जबकि हिटलर ने इसका यह अर्थ निकाल लिया कि भगवान ने उसे किसी खास उद्देश्य से भेजा है। एक जगह वो कहता है, जंग के दौरान एक दिव्य आवाज ने मुझे बंकर से निकल जाने को कहा। जैसे ही मैं वहां से निकला, एक गोला उस बंकर के ऊपर गिरा और अंदर मौजूद सब लोग मारे गए। एक दूसरा वाकया भी है जो बताता है कि हिटलर इस बात पर कितना विश्वास करता था, सेल्फ डिल्यूजन। 1938 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन हिटलर से मिलने गए। द्वितीय विश्व युद्ध के आसार बन रहे थे, लेकिन युद्ध की शुरुआत हुई नहीं थी। चेम्बरलेन शांति समझौते की उम्मीद में गए थे। वहां उन्होंने हिटलर के आवास में एक पेंटिंग लगी हुई देखी। ये प्रथम विश्व युद्ध की पेंटिंग थी जिसमें अधिकतर ब्रिटिश सैनिक बने हुए थे। चेम्बरलेन के पूछने पर हिटलर ने बताया कि ये एक ब्रिटिश सैनिक की तस्वीर है जिसने उसकी जान बख्श दी थी। इस वाक्य को दैवीय संदेश मानकर हिटलर इस पेंटिंग को अपने घर में लगाकर रखता था। चेम्बरलेन को बाद में पता चला कि हिटलर की जान बचाने वाले शख्स का नाम हेनरी टेंडे था। हेनरी द ग्रेट वॉर में ब्रिटेन के हीरो रहे थे। उन्हें सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। टेंडे को जब पता चला कि उन्होंने किसकी जान बख्श दी थी और वो हिटलर था, वो पश्चाताप से घिर गए। हालांकि गलती उनकी नहीं थी, उन्होंने दया दिखाई जो इंसानियत का तकाजा है। लेकिन हिटलर जैसे हल्के आदमियों की फितरत है कि दया को भी प्रोपेगेंडा बना देना है और देशभक्ति एक समूह विशेष से नफरत की वजह बना देना है। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पर हम समाप्त करते हैं, जिसे कमल ने लिखा और कैमरे पर जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए द ललन टॉप और हिटलर जैसे लोगों से सतर्क भी रहिए।